वेलकम टू माय चैनल श्री प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज इंडियन ओशियन कमीशन के विषय में पढ़ेंगे, जो पश्चिमी हिंद महासागर के देशों के द्वारा और अफ्रीका के पूर्वी तटीय देशों के द्वारा मिलकर बनाया गया एक संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। चलो दोस्तों इसके विषय में देखते हैं। दोस्तों इसका नाम है इंडियन ओशियन कमीशन। इंडियन ओशियन कमीशन IOC कहा जाता है दोस्तों इसको शॉर्ट में। अब दोस्तों देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना दोस्तों 1982 में हुआ था। इसका दोस्तों मुख्यालय इसका मुख्यालय दोस्तों इविनी मॉरिशस का एक दोस्तों शहर है, वहां पर स्थित है इसका मुख्यालय। उसके बाद दोस्तों देखते हैं इसका उद्देश्य। यह पश्चिमी पश्चिमी हिंद महासागर पश्चिमी ओम दक्षिणी हिंद महासागर में हिंद महासागर में सुरक्षा को बढ़ावा देना, दोस्तों सुरक्षा में होता है जैसे समुद्री पायरेसी जिसे समुद्री डकैती कहा जाता है, उन सब के लिए सुरक्षा प्रदान करा। जिस तरह से कोई शिप जाती है उस पर डकैती हो जाती है या पायरेसी होती है जिसे ओशियन पायरेसी कहा जाता है, इन सब के लिए सुरक्षा प्रदान करना। उसके बाद सुरक्षा को बढ़ावा देना जिससे इन सब से गैर गतिविधियों से गैर कानूनी गतिविधियों से बचा जा सके, इसलिए इसका गठन किया गया है। दोस्तों उसके बाद देखते हैं और दूसरा, यह एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन है दोस्तों, इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यह एक अंतर सरकारी संगठन है क्योंकि यह उन देशों के सरकारों द्वारा बनाया गया है, कोई प्राइवेट एंटिटी या प्राइवेट लोगों के द्वारा इसे नहीं बनाया गया है। इसलिए दोस्तों जब इसे पूछा जाएगा इंडियन ओशियन, इट इज़ अ टाइप ऑफ दोस्तों NGO नहीं है, इट इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर सरकारी संगठन है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों इसके सदस्य देश देखते हैं, कौन कौन से इसके सदस्य देश हैं। दोस्तों इसके सदस्य देश अफ्रीका के पूर्वी तट पर जितने स्थित देश हैं वही इसके सदस्य हैं। देखते हैं उनका नाम एक एक करके। मॉरिशस है। उसके बाद दोस्तों कोमोरोस है, सेशेल्स है, मेगाडास्कर है दोस्तों,
उसके बाद दोस्तों रियूनियन, रियूनियन दोस्तों जो कि फ्रांस की टेरिटरी है। आप दोस्तों यहाँ पे फ्रांस पूरा लिख सकते हैं क्योंकि रियूनियन टेरिटरी फ्रांस का ओवरसी टेरिटरी है जो कि इंडियन ओशियन में दक्षिणी भाग में स्थित है। उसके बाद दोस्तों इसका पर्यवेक्षक देश देख लेते हैं। पर्यवेक्षक देश दोस्तों भारत है। भारत है, चीन है, माल्टा है। उसके बाद दोस्तों यूरोपियन यूनियन है। चलो दोस्तों इसका पर्यवेक्षक देश देख लेते हैं। भारत है, चीन है, माल्टा है, यूरोपियन यूनियन है, उसके बाद दोस्तों इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफी। फ्रैंकोफी है दोस्तों, फ्रैंकोफी दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफी में ये 54 देशों का संगठन है जो कि फ्रेंच भाषा इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के देश के लोग बोलते हैं या एक तरह से संगठन है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ दोस्तों। इंडियन ओशियन कमीशन की स्थापना 1982 में हुआ था। इसका मुख्यालय इवेने मॉरिशस में है। उसके बाद दोस्तों इसमें मॉरिशस है, कोमोरोस है, मेगाडास्कर है, रियूनियन है, उसके बाद दोस्तों सेशल्स इसका देश है जो कि इसके सदस्य हैं दोस्तों। अब इसका पर्यवेक्षक देश देख लेते हैं। इसमें पर्यवेक्षक देश में दोस्तों भारत है, चीन है, माल्टा है, यूरोपियन यूनियन है, उसके बाद दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफी जो कि 54 देशों का संगठन है। इसके सभी देश दोस्तों फ्रेंच भाषा बोलते हैं दोस्तों। एक चीज़ मैंने भूल गया लिखाने के लिए, इसकी भाषा जो की है इसकी भाषा फ्रेंच है, फ्रेंच भाषा है इसकी, फ्रेंच भाषा है इसकी दोस्तों इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संगठन की दोस्तों। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों कुछ पॉइंट बचा था उसको देख लेते हैं। 1984 में दोस्तों विक्टोरिया संस्थागत के तहत दोस्तों विक्टोरिया समझौतागत के तहत विक्टोरिया समझौता के तहत दोस्तों इसे संस्थागत किया गया था। संस्थागत किया गया था दोस्तों 1984 में विक्टोरिया समझौता के तहत इसे संस्थागत किया गया था। संस्थागत मीन्स दोस्तों किस तरह से इसका चार्टर होगा, कितने इसके कर्मचारी होंगे, क्या क्या इसका उद्देश्य होगा, इस सब का एक तरह से एजेंडा तैयार किया गया था, लिखित रूप में या फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, उसे ही संस्थागत कहा जाता है। चलो दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इंडियन ओशियन कमीशन की स्थापना दोस्तों 1982 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों इवेने मॉरिशस में स्थित है। उसके बाद दोस्तों इसकी ऑफिशियल भाषा फ्रेंच है। उसके बाद इसके कंट्री देख लेते हैं दोस्तों। इसके कंट्री में है मॉरिशस है, कोमोरोस है, मेगाडास्कर है, रियूनियन है, उसके बाद दोस्तों सेशेल्स है, इसके जो कि सदस्य देश हैं। अब दोस्तों
इस देख लेते हैं फिर से 1984 में विक्टोरिया समझौता के तहत या विक्टोरिया एग्रीमेंट के तहत इसे इंस्टीट्यूलाइज किया गया था या संस्थागत किया गया था। अब दोस्तों पर्यवेक्षक देश देख लेते हैं, पर्यवेक्षक देश में दोस्तों भारत है, चीन है, माल्टा है, उसके बाद दोस्तों यूरोपियन यूनियन है, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रेंकोफी जिसमें 54 देश हैं जो कि फ्रेंच भाषा ये लोग बोलते हैं। दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर। आप सभी साथियों का धन्यवाद।